प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस पहुंचे हैं। कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए पीएम ने कहा, आज का दृश्य अभूतपूर्व है। कहीं से आवाज आती है कि नमस्कार तो लगता है कि घर आ गया हूं। हम भारतीय जहां भी जाते हैं वहीं मिनी इंडिया बना देते हैं। आज इस समारोह में बहुत से लोग ऐसे हैं जो 11-12 घंटे सफर कर यहां पहुंचे। इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज के समय में रेडियो, टीवी और मोबाइल पर कार्यक्रम देखा जा सकता है, लेकिन दूर से आना और इस कार्यक्रम में शामिल होना बहुत बड़ी बात है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कल फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। मैं फ्रांस की जनता को बधाई देता हूँ। इस अवसर पर मुझे न्योता देने के लिए फ्रांस के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। पेरिस के लासीन म्यूजिकल में प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भारतीय सेना के राजपूताना राइफल के बैंड ने प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार मेरा फ्रांस आना और भी विशेष है। कल फ्रांस का नेशनल डे है। मैं यहाँ की जनता को इसकी बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी और कल मैं अपने मित्र राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन के साथ नेशनल डे परेड का हिस्सा बनूंगा। ये आत्मीयता सिर्फ 2 देशों के नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि यह भारत और फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस की साझेदारी का महत्व बढ़ा है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसा आप जैसे लोगों की वजह से ही हो रहा है। आप ही हमारे मजबूत रिश्तों का आधार है। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया नई विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। भारत की क्षमता और भूमिका तेजी से बदल रही है। इस समय भारत G20 समूह का अध्यक्ष है। यह पहली बार है कि किसी देश के राष्ट्रपति पद पर देश भर में 200 से अधिक बैठकें हो रही हैं। उन्होंने फ्रांस के जाने माने फुटबॉलर किलियन एम्बापे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके जितने प्रशंसक और समर्थक फ्रांस में नहीं होंगे उससे कहीं ज्यादा भारत में हैं। पिछले फीफा वर्ल्ड कप के दौरान इस बात को पूरी दुनिया ने देखा था। उन्होंने कहा कि मैं आज फ्रांस के प्रधान से मिला और कल आपके राष्ट्रपति से मिलूंगा। यह आत्मीयता 2 देशों के नेताओं के बीच नहीं है, ये 2 देशों के मित्रों के बीच का रिश्ता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रगान और वेदों के चरैवेती चरैवेती का भी जिक्र किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने अपने और फ्रांस के पुराने रिश्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने करीब 40 साल पहले के अलायंस फ्रैंकेस का जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि वो अलायंस फ्रैंकेस की सदस्यता लेने वाले पहले व्यक्ति थे। सोशल मीडिया पर वो कार्ड भी वायरल हो रहा है जिसकी फोटोकॉपी कुछ साल पहले पीएम मोदी को भेजी गई थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।